हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल एचएम डिजिटल रिव्यूज। आज मैं आया हुआ हूँ पीवीआर साकेत, और इसकी जो ओपनिंग है आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने अपने चैनल के थ्रू आपको दिखाया था इयर्स बैक कि ये बंद हो गया था पीवीआर और रेनोवेशन में चला गया था। अब रेनोवेशन फाइनली कंप्लीट हो गई है और ये इसकी ग्रैंड ओपनिंग हो चुकी है। जो ओपनिंग हुई है अब ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। आप देखें कितनी अच्छी लाइटिंग है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सेक्सी लग रहा है पहले से, और बहुत ही कमाल का लग रहा है। पहले ऐसी लाइटिंग वगैरह कुछ नहीं थी, बहुत सिंपल लगता था। तो अब यहाँ के आसपास के लोगों से हम पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है कि ये सिनेमास दोबारा ओपन हो गए हैं, क्योंकि जो लोग आसपास रहते थे उन्हें दूर जाना पड़ता था मूवीज़ देखने के लिए। कोई सीपी जा रहा है, कोई बत्रा रेल सिनेमा जा रहा है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, लेकिन अब फाइनली ये दोबारा से रीओपन हो गया है। यहाँ के आसपास के लोगों से बात करूँगा, जानेंगे कि उनको कैसा लग रहा है कि ये सिनेमास दोबारा ओपन हो गए हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखना, लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके मुझे अपने व्यूज़ बताना कि आप यहाँ पर आके मूवीज़ देखेंगे या नहीं देखेंगे। शेयर कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल एचएम डिजिटल रिव्यूज, बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू। हेलो, आप कहीं आसपास से ही आते हैं क्या? हम चिराग दिल्ली से आते हैं, आसपास से। चिराग दिल्ली से तो बहुत पास है फिर साकेत। तो पीवीआर सिनेमा में तो आपने बहुत मूवीज देखी होंगी इस बार? हाँ, काफी देखी है। तो जब ये बंद हो गया था तो आपको कैसा लगा था? बस वही था, बोरिंग था सब, घर पे था, फोन में ही देख रहे थे जो भी देख रहे थे, तो अब चांस मिला है, ओपन हुआ है। नेटफ्लिक्स का, डिज्नी का, हॉटस्टार का, मतलब वो मजा नहीं आ रहा था जो एक हॉल में बैठ के आता है कि चाहिए होता है वो। तो अभी रीओपन हुआ है, रेनोवेट हो गया और शानदार हो गया है बल्कि, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अभी फर्स्ट एक्सपीरियंस है आफ्टर लॉकडाउन हमारा, तो अभी देखते हैं कैसा रहता है अंदर जाके। वैसे तो मजा ही आने वाला है, हर टाइम मजा ही आया है यहाँ पे। पीवीआर तो जाने इसीलिए जाता है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ अच्छा होता है। अच्छा, आपको ये लगता है कि ये एक्सपेंसिव होगा एज कम्पेयर टू अर्लियर? नहीं नहीं, एक्सपेंसिव नहीं है, अभी हमने टिकट करी है। सेम है, पहले से ही टिकट करी है। इन्होंने टिकट करी है, कौन से शो की करी है? ये किस्मत 2 मूवी है। अच्छा, कितना पंजाबी बस होने वाला है, अभी हम अंदर जाते हैं, थोड़ी देर में मिलना भी, दोबारा से रिव्यू देंगे। कितने कितने का पड़ा टिकट फिर इसका? 230 अराउंड, तो वही सेम रेट ही है, ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। हाँ। तो बढ़िया, फिर आप जाके देखें, फिर अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना लोगों से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। सर आपका नाम? अंकित रावत। अंकित जी, पीवीआर सिनेमास जो कि साकेत में बहुत टाइम से थे, ये फाइनली दोबारा से रेनोवेट होकर आ गए हैं और दोबारा से रीओपन हो गया ये सिनेमा, तो आपको कैसा लग रहा है? फिलहाल तो थोड़ा बहुत ठीक ही है, एंजॉयमेंट का, मतलब जो इतने दिन से कोरोना काल से घरों में बैठे थे। हाँ। तो अभी सही है कि सीटिंग भी अलग अलग कर रखी है। अच्छा अच्छा, मतलब एक सीट छोड़ के दूसरा सीट छोड़ के, बहुत अच्छा किया, सैनिटाइजिंग का भी काम अच्छा रहा, जैसे कि मैं डिस्प्ले पे देख पा रहा हूँ। हाँ। तो जब ये बंद हो गया था बीच में, रेनोवेशन में चला गया था, तो कहाँ देखने जाते थे थिएटर? MGF जाना पड़ता था। तो अब तो आपको बहुत खुशी होगी कि फाइनली ये मेहरोली आप रहते हैं, आपने बताया। हाँ। मेहरोली से साकेत है कितना दूर यहाँ पे? 10 मिनट लगता है अपने बाइक से। तो आपको अच्छा लग रहा है, मतलब ये खुल गया। हाँ। चलिए, थैंक यू। सर आपका नाम? मेरा नाम अहमद। सर ये पीवीआर सिनेमास दोबारा से रेनोवेट होकर रीओपन हुए, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो डेली आता हूँ यहाँ पे। हाँ। तो अच्छा लग रहा है, खुलेगा तो ज़्यादा यहाँ पे भीड़ जमा हो जाएगी, काफ़ी लोग आएंगे, इवन बहुत सारे लोग तो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। कोविड के बाद दोबारा से खुल रहा है, तो आई थिंक काफ़ी अच्छा लगेगा। तो बीच में जैसे ये बंद था और कोविड भी था, तो आपने कैसे एंटरटेनमेंट का के जरिया ढूंढा? देखिए, एंटरटेनमेंट का कोई जरिया मतलब था तो नहीं, पर फिर धीरे धीरे वक्त के साथ एडजस्ट करना पड़ता है घर पर बैठ के, क्योंकि सब लोग घरों में थे तो बाहर तो निकलना नहीं था, जो भी था घर पे बैठ के काम किया, फ़ोन या टीवी वगैरह सब कुछ, पूरा दिन तो इसी के साथ जाता है, फोन्स के साथ, गेम्स के साथ, तो ये सारी चीज़ें फिर मतलब शुरू में आपने मिस तो किया होगा कि ये थिएटर बंद? हाँ, थिएटर का तो बहुत मिस किया स्टार्टिंग में, पर धीरे धीरे फिर एडजस्ट हो गया, मतलब टाइम के साथ साथ पता था कि इतना टाइम, इतना जब तक ठीक नहीं होगा तो लाइफ सबसे पहले बाद में बाहर निकलेंगे तो सिनेमा तो मिल जाएगा दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जब ये फंक्शनल हो जाएगा बिल्कुल, तो आप आएंगे मूवी देखने? जी जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, हम तो इंतजार में है कब खुलेगा, दोबारा से जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। तो आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं मैदानगढ़ी का हूँ, खानपुर। हाँ, मैदानगढ़ी। तो ये सारे एरिए साकेत के बिल्कुल पास ही पड़ते हैं। हाँ। और पीवीआर सिनेमा बीच में बंद हो गया था, रेनोवेशन पे चला गया था। हाँ। तो काफी मायूसी हो गई थी लोगों को, क्योंकि थिएटर पे मूवी देखना सबका होता है यार, और फिर कोरोना भी आ गया था। बट अभी ये रेनोवेट होकर दोबारा से रीओपन हुआ है, तो आपका कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमें बैठने की सीटिंग मिल गई है, ठीक है, और काफी अच्छा लग रहा है, लाइटिंग काफी अच्छी करवा रखी है उन्होंने, और फोटोशूट के लिए भी बेस्ट एरिया है।
आपको सर आधे से ज्यादा तो फोटोशूट के लिए आ रहे हैं। हम तो नॉर्मली बैठने आता, बट सही है, पहली बार मतलब ये काफी टाइम बाद ओपन हुआ है तो जाएंगे एंजॉय वगैरह करेंगे। तुम्हारा क्या कहना है भाई? जितना यहाँ क्राउड रहता है ना उतना मजा आता है, और दूसरा हमें यहाँ बैठ के ठंडक बड़ी मिलती है कि नीचे से एसी की हवा आ रही है बढ़िया। तुमको ये नहीं लग रहा कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा शायद? ये इतना इन्होंने खर्चा करा है, इसको इतनी लाइटिंग वाइटिंग करी है इसकी, काफी होगा क्योंकि जितना इन्होंने लगाया ये एक साल में रिकवर भी हो जाएगा। क्योंकि एक साल में रिकवर करने के लिए टिकट भी बढ़ा देंगे, टिकट भी बढ़ा देंगे। लेकिन काफी अच्छा लगा मेरे को जिस टाइम ये स्टार्टिंग हो रही थी, दो तीन साल हमने ऐसे ही इधर उधर हांडे, इससे बढ़िया हम अंदर जाके मूवी देखे, कितना अच्छा लगा। चलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम ये पीवीआर सिनेमा दोबारा से रीओपन हो गए, आपको पता है रेनोवेशन में चले गए थे, तो आपको कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पहले से बेटर है। पहले से बेटर लग रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल रही है? यही मतलब लोग ज्यादा आने जाने लगते हैं, बहुत ज्यादा लगते, मतलब आज कल क्राउड बहुत दिखता है यहाँ पे। आप कहीं आसपास एरिया से ही आते हैं? हाँ, मैं भी खानपुर साइड से ही। तो साकेत के तो पास ही है, तो आपने कैसे मतलब टाइम बिताया जब ये बंद हो गया था, क्योंकि साकेत का ये मेन सिनेमा है पीवीआर? एक्चुअली मैं अभी आने लगी हूँ, इससे पहले नहीं आती थी। अच्छा, ज्यादातर मतलब रात के टाइम ही आती थी पेरेंट्स वगैरह के साथ, अब मैं फ्रेंड्स के साथ आने। मूवीज तो देखते हो ना? हाँ, मूवीज वगैरह देखते। मिस बड़ा किया होगा सिनेमा बहुत। तो अब कैसा लग रहा है, खुल गया है दोबारा? नहीं, थोड़ा अच्छा ही फील हो रहा है बस, कुछ नहीं। दोस्तों अब हम आपकी मुलाकात कराएंगे राहुल सिंह जी से, जो कि दरोगा पान के ओनर हैं। सर कैसे हैं? बढ़िया सर, आप बताएं। बिल्कुल ठीक सर। पिछली बार जब ये पीवीआर सिनेमा बंद हुआ था, रेनोवेशन पे गया था, सॉरी, वो आपने मुझे बताया था कि रेनोवेट हो रहा है, तब आपसे मैंने बातचीत की थी कि आपको कितना लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। अब आप मुझे बताइए कि ये दोबारा से रीओपन हो गया है तो आपको कैसा लग रहा है? रीओपन हो गया है, बहुत खुशी की बात है कि मतलब ये समझ लीजिए कि हमारी जो जिंदगी और लाइफ जो है वो पटरी पे धीरे धीरे, अब हम चाह रहे हैं कि हमारी लाइफ पटरी पे आ जाए, क्योंकि इसके बंद होने की वजह से आपको बहुत लॉस हुआ। समझ लीजिए कि हमें इतनी परेशानियां थी, इतना हमें दुख हो रहा था कि कोई सोच नहीं सकता। वैसे तो कोरोना काल तो चल ही रहा था, लेकिन इसके बंद होने से हमें बहुत ज़्यादा असर पड़ा। क्या उम्मीदें क्या है कि ये खुलने के बाद आपके पास दोबारा से? उम्मीद हमें यही है कि कम से कम अब जो हमारी जो मतलब जो हमारी जो सोच है वो तो थोड़ी और अच्छी हो जाए। मतलब हम सोच रहे हैं कि हमारा काम धंधा और थोड़ा पहले से और बेहतर हो जाए। बिल्कुल। चलिए थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अब हम आपकी मुलाकात कराएंगे पीवीआर सिनेमा के जस्ट सामने एक रेस्टोरेंट है तुरंत, उनके मैनेजर की। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर पीवीआर सिनेमा दोबारा से रीओपन हो गए, रेनोवेट हो गए, बल्कि शानदार हो गए, एकदम ऐसा लग रहा है पॉलिश कर दिया सिनेमा को, तो आपको क्या लगता है कैसा आपका बिजनेस होगा, क्या पहले जैसा होगा या फिर उससे कम होगा या ज्यादा ही होगा? सर अभी तो कुछ कह नहीं सकते, जब करीब 10 दिन हो गया ओपन होते हुए, ठीक है ना, तो इसमें अभी कम से कम 10-15% कस्टमर जा रहे होंगे, ठीक है ना, और आने वाले समय में जो जैसे जैसे आम पब्लिक को पता चलेगा भाई एक पीवीआर था बहुत अच्छे से बन गया है, पहले में आप कभी आप देखेंगे पहले और पीवीआर में अभी बहुत जमीन आसमान का फर्क है जी। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, आपको लगता है कि लोग बाग वहाँ आएंगे तो यहाँ भी आएंगे खाना वगैरह? बिल्कुल आएंगे, अगर उनके पास आएंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ नाश्ता पानी करने जरूर आएंगे, यहाँ पे जितने भी हैं सबके पास कुछ ना कुछ काम कुछ बनेगा जरूर। तो दोस्तों आप लोगों से ये मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जरूर इनके तुरंत पे आके खाना जरूर खाइएगा, क्योंकि मैं तुरंत पे हमेशा इसलिए आता हूँ क्योंकि पिछली बार भी मैं इनके यहीं पे आके वीडियो बनाई थी और बहुत अच्छा इनके यहाँ से कोऑपरेशन मिला था, तो इनके तुरंत पे आके जरूर खाइएगा अगर आप पीवीआर सिनेमा में मूवी देखने आते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरा चैनल HM डिजिटल रिव्यूज, और साकेत में पीवीआर में मूवी जरूर देखना।